नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर में प्रथम चरण में 4 मई को निकाय चुनावों के लिए मतदान होना है, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर आज डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और डीएम ने बताया कि जनपद में आचार संहिता लागू है और उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। रमजान में भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। जनपद में कुल 249,358 वोटर निकाय चुनाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव के अपेक्षाकृत इस बार 23,811 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद को कुल 12 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जोन और सेक्टर में एक एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा खर्चों को मॉनिटर करने के लिए स्क्वायड टीम बनाई गई है। इस तरह की 24 टीम बनाई गई है, जिनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी। इसके अलावा लाइसेंसी असलाहों को जमा कराया जा रहा है और असलाहों की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। अवांछित तत्वों की चिन्हित कर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसपी ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है और फोर्स का आकलन कर लिया गया है। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज लाइन भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। आज से नामांकन शुरू हो गया। जनपद गाजीपुर में 7 जगह नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 7 जगह हमारे राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में फोर्स लगा हुआ है। वहाँ की सीटों के हिसाब से एडिशनल फोर्स भी कुछ जगह दिया गया है और जहाँ तक आने वाली पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि आज से चुनाव की टोन सेट हो गई है और अब जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा उसमें जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो इस तरह से रखा जाएगा, जैसा पहले भी मैंने दोहराया है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फोर्स का आकलन किया जा चुका है। इसी के साथ साथ अभी तक जो हमारे पोलिंग सेंटर, उनको प्राथमिक स्तर पर उनका निर्धारण किया जा चुका है कि कौन से हमारे संवेदनशील हैं, कौन से अति संवेदनशील हैं और कौन से संवेदनशील प्लस हैं। लेकिन इसमें अभी तब्दीली होगी जैसे ही कैंडिडेट्स डिसाइड होंगे, क्योंकि अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो जिस हिसाब से वो होगा उसके हिसाब से हमारी भी स्ट्रेटजी डायनेमिक स्ट्रेटजी है। ये कोई बदलती रहेगी, जैसे जैसे चुनौती आएंगी उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद। और आज 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 17 अप्रैल तक होगी और फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 21 अप्रैल को जारी होगी। इसी बीच में हम मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग कराएंगे और आप जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है उसका अनुपालन कराया जा रहा है। एसडीएम सीओ द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है विकास भवन में, जहाँ निर्वाचन संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। देखिए, रमजान के महीने में जो भी इफ्तार का आयोजन होता है वो अपने घर में कर सकते हैं, किंतु सार्वजनिक रूप से करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए अनुमति जारी करने के पहले जो भी एसडीएम से उसकी जाँच पड़ताल करेंगे और उनकी जाँच करने के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी। हमारे जनपद में इस साल 2,29,358 वोटर्स हैं और ये पिछले चुनाव की अपेक्षा में 23,811 मतदाता इसमें बढ़ रहे हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए 12 जोन बनाए गए हैं और 26 सेक्टर बनाए गए हैं और इन सभी जोन और सेक्टर में एक एक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है, जो जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट है। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और एक्सपेंडिचर जो होता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर, उसको मॉनिटर करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और स्टैटिक सर्विलांस टीम्स लगाई जा रही हैं, जो कि कैंडिडेचर फाइनल होने के बाद यानी 21 अप्रैल के बाद वो क्रियाशील होंगे। तो ये फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स की ड्यूटी 8-8 घंटे की होगी, तो 24 टीम्स लगाई जा रही हैं 8 क्षेत्रों में और स्टैटिक सर्विलांस टीम्स भी उसके अनुसार लगाई जा रही हैं। ये लोग एमसीसी का वायलेशन और कहाँ पर इस प्रकार की सफाई हो रही है, जहाँ पर एमसीसी वायलेशन हो रहा हो या खर्च हो रहा हो, उसको मॉनिटर करेंगे। जो हमारे नगर क्षेत्र हैं उसमें जो भी असलहे हैं उनको जमा कराया जा रहा है और गन स्टोर्स जो हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है
कुछ ऐसे गुंडा एलिमेंट्स यदि हैं कुछ करके उनको जिला बदल किया जाएगा, तो ये सभी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन हम करा सकें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।